अपनी माँ के पास। तो फ्रेंड आज मैं अपने पति और बेटे को लेके जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और आप लोग भी मेरी माँ से जरूर मिलिएगा। तो आज मैं आप लोगों को अपनी माँ से मिलाऊंगा। आज देखो ये देखो, और दोनों का एक दिन का फर्क है, सिर्फ एक दिन का। ये 19 को ये बाबू और ये 18 को हुआ। ये 18 को हुआ। ओ भगवान, रो रहा। बहन से तो मिल लो। मिल बाबू। ओ भगवान, राम सकल। हाय हाय। अरे बताओ भूखे में खाने को क्या क्या मिला। कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी। और बाबू हमारा सो रहा है और जानू हमारे अपने दोस्तों के साथ अलग बैठे हुए। तभी मैं खावा ले। फ्रेंड्स ये देखिए, रफरीज बाबू को यहाँ पे सिस्टर मिल गई। भाई बहन मिल गए दोनों। भाई बहन भाई बहन जाना राखी बनवाने जाना सिस्टर के पास, ठीक है? राखी बनवाने 1000 रुपए में फिर राखी बांधना, ऐसे नहीं। हाँ सही बात। पूरा सो चुका, अब उठा, अब यहाँ खोला था हफ्ते, फिर से सो गया। अरे बंदा आजा आजा बाबू आजा, बोल दू गुड मॉर्निंग। और आज देख सकते हैं रफरीज बाबू मुझे देख कैसे रहा है। तो आज का ब्लॉग ना कुछ खास और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फ्रेंड्स आप लोग जब देखो, पता नहीं मैं इस बंदे का क्या ले लिया हूँ, इसका मैंने क्या गुना कर दिया, इसका मैं क्या चोरी कर लिया हूँ, क्या ले लिया हूँ। और देखो देख कैसे रहा है, ऐसा लगा कि मुझे गिल जाएगा। और देखो सुन कैसे रहा है, इसको मैं बता। ओ तू अपना मुंह उधर कर। तो फ्रेंड देख रहे आप लोग, फ्रेंड मेरी बात भी सुन जा रहा। तो आप देखते हो मुझे देख कैसे रहा है, अभी से नहीं, मुझे सुबह से देख रहा है बहुत गुस्से में आकर के। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं मनसा देवी मत्था टेकने। अपने पति और बेटे को लेके जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और आप लोग भी मेरी माँ से जरूर मिलिएगा। तो आज मैं आप लोगों को अपनी माँ से मिलाऊंगा आज, और अपने पति और अपने बेटे को आशीर्वाद दिला दूं अपनी मम्मी का। कहने का मतलब ये गुस्सा हो रखा है, वो तो मैं पोल खोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन नहीं खोलूंगी। चलो आप ब्लॉग में बने रहते हैं। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रही, अभी जा रहे हो तो जाना, लेकिन हम यहाँ से अभी अकेले जाएंगे, मैं और सिस्टर और बाबू। और फ्रेंड्स प्रिया को मैं मिलूंगा सीधा घर में मिलूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी बंदा मुझे देख रहा है, गुस्सा का मुझे देख रहा बंदा। मैं तेरा कुछ लिया क्या है उधर मुखिया, अभी भी देख रहा है। रेडी हो चुकी हूँ और बाबू को सिस्टर ने गोद में ले रखा है। तभी हम लॉक ऑफ कर लेते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, हमें अपनी माँ के घर अपने पति और बेटे को लेके मिलवाने के लिए। कहने के मतलब मिलवाने। तो भगवान, माँ भगवान की जैसी होती है ना, आप सभी को पता है। तो ब्लॉग में बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स वहाँ पे मतलब बाहर निकलते हैं, ऑटो में बैठते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और जो जानू है वो जा चुके हैं, उन्हें कुछ काम था तो पहले ही चले गए। तो हम और जानू, अभी मैं और सिस्टर और बाबू तीनों लोग मंदिर जाते हैं, जानू वहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे। फ्रेंड फाइनली मैं बस में बैठ चुकी हूँ और हमारा बाबू सो रहा है, सिस्टर इधर बैठी है, जानू भी आएंगे, वो थोड़ा काम से गए हैं बैंक का, इसकी वजह से बस फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद मैं बस में बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है मुझे, मैं कभी बस में बैठी नहीं हूँ जल्दी। वैसे ट्रैवलिंग कर लेती हूँ, बट खिड़की खुलाओ तो ये पूरा पैक है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, अजीबोगरीब होता। तो चलते फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, हम जो भी हो अपनी मम्मी के घर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं, और भी अपने पति देव जी के साथ। मैं आ चुका हूँ भाई, प्रिया तभी से ना मेरा वेट कर रही है, बहुत वेट की ना। बहुत देर से मैं वेट की थी, हम तो, बस से आए थे ना। तो भाई देखते हैं प्रिया की मम्मी कितनी सुंदर है, कहाँ मिलती है। तो भाई जो है ना क्या बताऊँ यार, तो भाई चलते हैं, पहले जूता वगैरह खोल देता हूँ क्योंकि भगवान के मंदिर में ना जूता। तो फ्रेंड्स प्रसाद तो ले रहे हैं, अभी देखते हैं क्या लेते हैं, क्या लेना है, सिंगल भी लेना। अच्छा भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इतना फ्रेंड मुझे ना कहीं काम पड़ गया था, वहाँ जाना पड़ गया भाई, इतना लेट से कोई हिसाब किताब नहीं। प्रिया तभी से मुझे 100 बार फोन कर चुकी थी, इतना फोन की भाई बता नहीं सकता मैं, इतना बड़ा कॉल की क्या बताऊं। जा रफरीत को देख लो क्या हुआ। रफरीत फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, बाबू के लिए मिन्नत मांगा था ना हम लोगों ने, हमारा बाबू हो जाएगा तो हम मत्था टेकने आएंगे माता के मंदिर में। तो मैं अपने बाबू के नया मेहमान है इस मनसा देवी मंदिर में। और जो कर कैसे कैसे रहा है, तो मन्नत पूरा होते हम बाबू जो भी बाबू के लिए कहा था, कहाँ है ये सोच रहा मुझे कहाँ लेकर के आ गया बंदा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रही, टैटू किसे से पसंद है? पसंद है लेकिन बनवाएंगे नहीं हम। पसंद है लेकिन ये तो तुम खुले पैसे लेकर आई थी कि नहीं? लाई तो थी तो बांटने के लिए। अरे यार नहीं नहीं कसम से, करा लेना जब भी हम आज तो रफरीत सारे पूरा सुन सा आप देखना, मतलब ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं, पहले भी जैसे नहीं जाना जानू लग नहीं रहा जैसे है। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, आज हमारी मन्नत माता रानी पूरी कर दी है, और आप लोग भी यहाँ पे आके मन्नत मांग सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम भगवान जी से कुछ ऐसा मांगा जो कि मेरी गोद में है। बहुत सी सिस्टर कमेंट ये करती कि रोहन भैया मुझे बेबी नहीं होता। हाँ। मैं तो भाई उनको ये बोलूंगा कि आप एक बार मनसा देवी मंदिर में ना, चंदेर मनसा देवी मंदिर में आना,
और माथा यहाँ से गेट देख लीजिए आप लोग। हमारे बाबू क्या देख, बाबू मैं सोच रहा कहाँ से कहाँ आ गए। उल्टा फर्स्ट टाइम बाबू को लेके आई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मैं अभी उल्टा जा रही हूँ। अब जानू मुझे बने रही है और माथा जरूर टेकना और मनसा माता से दुआ जरूर मांगना सभी से। हाँ जो रिक्वेस्ट है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जय माता दी, जय माता दी की जयकारे बोलो, जय माता दी बोलो, जय माता दी जयकारे लगाते हुए चलिए माता के दर्शन करते हुए। अभी देखिए फ्रेंड्स आज के दिन तो कम भीड़ है, नहीं तो डेली बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। और जानू को देख लीजिए जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से पौड़ी है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर हमारे बाबू को देख लीजिए यहाँ से लगी रसगुल्ला। कितने दिन से बाबू नहाया नहीं जानू, हो गया 10-20 साल। तो हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं फ्रेंड्स अंदर जाने के लिए माता के दर्शन के लिए। तो ये देखिए यहाँ जो क्या माता रानी के जो सवारी है वही है ना ये, तो मत्था टेक रहे बाबू। वाह वाह मेरा क्यूट से बेटा। और फ्रेंड्स यहाँ प्रिया माता टेक चुकी है, अब यहाँ माता टेकने के बाद यहाँ से वापस आ रही है। जो भी है मेन मंदिर यही है, मनसा माता की मंदिर है। तो आप लोग भी मत्था टेक लो फ्रेंड्स, अभी मैं अंदर मत्था टेकने गई हूँ। तो आप लोग भी मत्था टेक लो अच्छे से, भगवान जी से दुआ मांग लो। बहुत कम लोगों की विशेष पूरी होती है, लेकिन वहाँ जाकर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इसलिए आए थे ताकि हम लोग का मन्नत जो भी है पूरा हो गया था। हम लोगों ने विश मांगा था कि हाँ जब बाबू होगा तो हम बाबू को लेकर आएंगे, और ये फर्स्ट बार है कि हम अपने बाबू को लेकर यहाँ पे आए। फर्स्ट टाइम बाबू मनसा मंदिर आए। और यहाँ फ्रेंड पहले सारा कुछ था ना, अब बंद हो गया है, देख लीजिए आप लोग पूरा ये आप यहाँ जाने नहीं देते हैं, पूरा बंद हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं आगे कहीं। और फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग बने रहिए और ऐसे एंजॉयमेंट करते जा देख लो प्रिया को। आप लोग दर्शन जरूर कर लीजिएगा, मैं तो बहुत घबरा गई हूँ कि ऐसा हो कैसे गया। पहले यहाँ पे नारियल चढ़ता था, सारा कुछ चढ़ता था, अब यहाँ देखिए रेड रेड पूरा वो लगा दिया गया, अंदर नहीं जाने देते। धूप बत्ती जलाने का जगह भी चेंज हो गया। यहाँ से फ्रेंड्स हम जा रहे हैं दर्शन करके, जो भी हो वापस आ रहे हैं नीचे को। अभी हम जाएंगे दूसरे मंदिर में और हमारे बाबू को देख लीजिए माला वाला पहन के रेडी हो। बाबू की होने वाली है शादी। और रब पता है क्या फ्रेंड्स, एक बात बताऊं आप लोगों को, रबप्रीत ने क्या किया, माता रानी जहाँ से बाबू को मैंने मांगा वहाँ पे दर्शन करने के बाद ये सो गया, उसके बाद तो उठा ही नहीं। देख लीजिए माला वाला पहन कैसे सो रहा, मैं इसको जगा रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रहा। देख लीजिए थोड़ी सी आईज खोला है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए आगे मंदिर में, आगे मंदिर भी आप लोग देखे लेकिन आप लोग सारे लोग दर्शन करिए। हाँ और पता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत चीजें नई नई, और इधर पीछे बैकग्राउंड देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे गार्डन सा बन गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग सही से घूम नहीं पाए, मेन बात हमें दर्शन करनी थी ना, विश मांगा था इसके लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं और जानू को देख लीजिए और जानू के जरा बेटे को देख लीजिए। वाह 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 क्यूट सा राजा बेटा सो रहा है माला वाला। क्या मैं इसलिए यहाँ पे आवाज को म्यूट कर दिया क्योंकि ना फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा ही मतलब आवाज थी। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ का जरा लुक देख लो क्या मस्त लग रहा है, ये सारा यहाँ पे नया अपना। फ्रेंड्स आप लोग मन से जो यहाँ पे आना मतलब टेकने के लिए और प्रिया और यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ खिंचवा सकते हो। न्यू खुल ये नया है, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है। जैसे कि फ्रेंड देखिए पहली बार कोई आता है तो फोटो खिंचवाता है नया, तो आप लोग वहाँ फोटो खिंचवा। वैसे हम तो कई बार जा चुके हैं, बहुत बार, वैसे हमें तो पता है लेकिन ये नहीं, नहीं, नहीं। जैसे कि कोई दूर से इंसान आ रहा हो वैसे खिंचवा सकता है। हाँ लेकिन फ्रेंड पता है यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए माता के मंदिर में आते हैं, बहुत ही दूर दूर से, तभी ये मेन उनके लिए। तो फ्रेंड्स फ्रेंड आ गए इस मंदिर के अंदर, हम चलेंगे अब यहाँ माथा टेकेंगे और यहाँ भगवान प्रसाद चढ़ाते हैं, देखते हैं। भाई देखो मैं फ्रेंड्स सबको यही बोलूंगा प्लीज यार आप लोग ना मतलब भगवान जब आप लोग चंडीगढ़ आओगे आओ तो भगवान के मंदिर जरूर आना।
तो फ्रेंड्स ये आपको पूरा मंदिर दिखा दे, दूसरा मंदिर ये देखिए मंदिर कितना बड़ा है, ये देखिए। और प्रिया जा रही है वहाँ पे हम चलते हुए, और हमारे बाबू सो गया क्या, वो जो कहे सो गया। माता को देखा बस अंदर आके जरूरी जहाँ पे तुझे मांगा बस उसी माता को देखेगा। कसम से भाई बंदा सो गया, मैंने मांगा बाबू को उस माता को देख लिया और सो गया। माता ने आशीर्वाद दिया सो गया, क्यों प्रिया मंदिर के अंदर इसे वहाँ टेक करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। धूप जलाते वक्त प्रिया का एंट्री हो चुका है, देख सकते हो। अब इसके अंदर जाना है भाई, प्रिया वहाँ सारा देख सकते हो भाई। प्रिया तो भाई बहुत घंटी बजा दे सकता हूँ, तो जब कैसा लगा भगवान माथा टेक करके बताओ। बहुत अच्छा लगा, भगवान के मंदिर में आने के बाद किसको खराब लगता, सबको अच्छा ही लगता, मतलब बिल्कुल सुकून। जाना आप जाना जलाने के लिए धूप बत्ती, यहाँ पे धूप बत्ती जलाई जाती है, पहले उधर था लेकिन वहाँ से चेंज हो गया है, अभी यहाँ पे जलाते हैं। बाबू दो बाबू ये बंदा था फ्रेंड, देखिए पूरा सो चुका अब उठा, अब यहाँ खोला था हफ्ते फिर से सो गया। अरे बंदा आजा आजा बाबू आजा आजा मेरा बच्चा आजा, फिर पकड़ा, लग रहा पीपू रखा है, पीपू रखा है क्या रप्रीत, और रप्रीत यहाँ पर जला रही है प्रिया धूप पत्ती जो भी है, अभी प्रिया जलाएगी, जो प्रिया के साथ सिस्टर आई थी वो भी जलाएंगी। और मन्नत तो भाई मन्नत मांगा कि नहीं कुछ भाई, मन्नत तो मांगी, आप देखते हैं इसका मन्नत पूरा होता कि नहीं होता है। अगर मन्नत पूरा हो गया चंडीगढ़ फिर आना, ठीक है एक बार पूरा हो गया तो आना, नहीं होगा तो मत आना, लेकिन मुझे इतना पता जरूर मन्नत जरूर पूरा। फ्रेंड देखिए हर एक विशेष हर एक मन्नत पूरी हुई है, इनकी क्यों नहीं। और फ्रेंड देखिए मैं यही कहूँगा, आज भगवान के मंदिर में यहाँ पे हूँ, इतने सारे लोग भगवान के मंदिर में ना सब क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान को सब मानते हैं, ठीक है। और भाई भगवान से बढ़ के ना यहाँ पे कोई नहीं है। तो भाई यहाँ पे प्रिया धूप बत्ती जला रही है, और प्रिया की सिस्टर जो प्रिया के साथ आई थी सिस्टर वो इधर है, और प्रिया को देख लो, हमारा बाबू रप्रीत को देख लो यहाँ सोया हुआ है, और यहाँ फ्रेंड्स ये लुक है, सारे लोग देखिए सब लोग यहाँ पर जला रहे हैं, है? नहीं तुम जला दो, वाह वाह भगवान मुझे मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद। रप्रीत उठ जाओ, हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो, उधर कहाँ जाओगे, अच्छा क्या यहाँ बांधो, रप्रीत और रप्रीत उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा बाबू उठ जा। तो फिर सोया रह गया, और प्रिया और वहाँ पर निकाल ली धागा, आप देख सकते हो, अब वहाँ प्रिया बांधे की जो भी वो देखिए फूल दिखा रही है, अरे लगा दो तुलसी माता में रखने के लिए, ये देख सकते हैं प्रिया यहाँ धागा बांधते हुए, अरे भाई। तो भाई प्रिया यहाँ पे जो भी धागा बांधते हुए, जनो विश मांग लेना, मांग रही हो कि नहीं विश, हाँ जरूर मांगना विश। तो भाई प्रिया धागा बांधते हुए और रप्रीत यहाँ पे सोते हुए, जरा देख लो जरा, बस गांठ लग गई, लग गई गांठ, लग गई लग गई लग गई लग गई, ओ लग गई भाई, हो गया गांठ बंद गई। अब इस मंदिर में मैं जब आऊंगी, जब मनसा माता मेरी विशेष पूरी करेंगी, मैंने चार गांठ लगाए हैं, जल्दी खुले ना हमारा गांठ, और जब ही आगे खोलूंगी जब माता रानी मेरी विश पूरी करेंगी, और जब पूरी करेंगी तब वो सीकरेट बात आप लोगों से जरूर शेयर। फ्रेंड्स ये देखिए रप्रीत बाबू को यहाँ पे सिस्टर मिल गई, भाई बहन मिल गए दोनों, भाई बहन भाई बहन, जरा मिल लो भाई बहन से मिल लो अपने, ये कितने बंद के सिस्टर, ये कितने बंद, तीन महीने का कंप्लीट हो गया, ये 18 को ये आज कंप्लीट हो गया, बस एक एक दिन की, ओ दोनों बराबर है, जा भाई बहुत सो गया, ना बस ना 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 ये देखो, हां ऐसे ये देखो और दोनों का एक दिन का फर्क है, सिर्फ एक दिन का दोनों का, ये 19 को ये बाबू और ये 18 को, ये 18 को, ओए भगवान रो रहा, बहन से तो मिल लो, मिल मिल बाबू मिल, ओ बाबू देख राम सकल, हाय हाय, अरे ये बताओ गुमा हो गया क्या फ्रेंड, ऐसा लगा पीपू रखा है, नहीं नहीं गुमा रखा क्या, वाह वाह बच्चे को बुलाया कर दिया ना, उधर जब बड़ा हो तुम दोनों वीडियो देखना, अरे भाई जब बड़े हो ना तुम दोनों वीडियो देखना, फिर मिलने जाना, राखी बनवाने जाना सिस्टर के पास, ठीक है, राखी बनवाने 1000 रुपए ना, फिर राखी बांधना ऐसे नहीं, हाँ सही बात, तो फ्रेंड सिस्टर मिली थी ना,
से सब वीडियो देखती है तो मिली थी। ठीक है दीदी, अभी मनसा माता मंदिर आई थी तो यहाँ पे सिस्टर मिली जो कि ब्लॉग देखते हैं, और एक सिस्टर ये उनका क्यूट सा बाबू है, बस वन डे की फर्क है, बस एक एक दिन का। और एक सिस्टर है जो कि वीडियो देखती है बहुत सालों से। तो फ्रेंड देख लीजिए, आप लोग भी सिस्टर को पहचान लीजिए, कभी मिले तो आप लोग जरूर मिल लेना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सिस्टर। तो फ्रेंड मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड देख लीजिए, मतलब भगवान के घर में आने के बाद भगवान का पूरा चुगता करके जाएंगे। फ्रेंड देखिए, ये जो यहाँ जो प्रसाद मिलता है यहाँ पे हर इंसान खाता है, ठीक है, जो भगवान में दुआ भी देते हैं, दुआ के साथ भगवान में प्रसाद, भगवान में दुआ भी देते हैं, दुआ के साथ भाई अरे भगवान इतना प्रसाद खाओ ना, मतलब पेट पता फ्रेंड भर जाता है पूरा। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं लंगर रूम में जो भंडारा जैसे तो फ्रेंड्स अभी हम वहां से खाएंगे प्रसाद, माता का प्रसाद खाएंगे, आप देख लीजिए वहां पे, ठीक है, प्रसाद वहां खाएंगे, उसके बाद प्रसाद खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं और ब्लॉग में बने रहिए। और भाई आज का ब्लॉग ना आप लोग बताना फ्रेंड्स, देखिए भगवान को सब मानते हैं पता, ठीक है, और भगवान को हर इंसान पूजा करता है भाई, देखो एक मंदिर में और एक हॉस्पिटल में कभी खाली नहीं होता है, सही बात, ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं बंदे कुछ मजबूरी से, लेकिन अब फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं कुछ दिक्कत से। फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। दो फ्रेंड्स खड़े आ चुके हैं भंडारा रूम में, देख लीजिए यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, पूजा भी आ चुकी है, भंडारा खाने लंगर खाने आए हैं, और यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लंगर लंगर खाकर लोगों से मिलते हैं। फाइनली लंगर रूम में पहुँच चुकी है, देखिए हमें खाने को क्या क्या मिला, कढ़ी चावल रोटी सब्जी, और बाबू हमारा सो रहा है और जानू हमारे अपने दोस्तों के साथ अलग बैठे हुए, तभी मैं खावा लेती हूँ लंगर कहने मतलब प्रसाद, फिर आप लोगों से मिलते हैं। वाह, भगवान के मंदिर में आने के बाद बात ही अलग होती है, बड़ा बड़ा सुकून मिलता है, और लंगर खाने में और सुकून मिलता है जो घर में नहीं मिलता है यहाँ में मिलता है। वैसे आज का डे ऐसा, लेकिन संडे को और भी टेस्टी मिलता है। तो ब्लॉग में बने रहिए, अभी मैं कढ़ी चावल रोटी सब खा लूँ, सिस्टर भी खा रही है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। लोगों देखिए ये बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड फाइनली हमने प्रसाद खा लिया है, और अभी थाली रखने क्योंकि अभी सिस्टर जो है अभी खा ही रही हैं। तो आज सिस्टर मेरा सूट पहनी है, मैं सिस्टर का भी पहन लेती हूँ, सिस्टर मेरा भी पहन, हम एक दूसरे शेयर कर लेते हैं इसलिए। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रही है, अभी चलते हैं थाली वाली रख देते हैं, अभी जानू गए हैं वो लोग खा चुके हैं, अभी हम बैठे हैं क्योंकि सिस्टर है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स थाली माता का प्रसाद तो खा ही लिया हम लोगों ने, आप प्रसाद खाने वाला आप लोग देख सकते हो, पुलिस सर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो भाई कि कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है, पुलिस सर आ चुके हैं, लेकिन भाई ये पुलिस सर जो है ना ये हमारे अच्छे के लिए हैं, ठीक है, सेवा के लिए है, और जो यहाँ पे गंदे लोग आते हैं उनको डंडा बजता है, ठीक है, बाकी भगवान तो कुछ कहेंगे नहीं। अब तो हम सीधा फ्रेंड जा रहे हैं घर के और निकल रहे हैं, मतलब हम घर जा रहे हैं, साथ लेके जाऊँ क्योंकि तभी जब प्रिया तभी उधर से आई थी ना, तो प्रिया अकेले आई थी, सोच रहा हूँ इस पर साथ में लेके जाऊँ, देखता हूँ भाई चार चार लोग एक्टिवा पे कैसे बैठेंगे, बाबू भी होगा, जानू सुनो तो 25 रुपया लिया एक लोगों का, किस में, बस में, हाँ। बस में आई थी, हाँ। 50 लोग 50 रुपए हैं, हाँ। 50 में आप तो बोल रहे थे 15 रुपया लगेगा, मतलब 15 रुपए था पता नहीं, बढ़ गया अलग बात है। तो फ्रेंड फाइनली एसी वाला था। एसी बस में बैठ के 25 रुपए दे करके मुझे कह रही है 25 रुपया, देखो कितना बिल्कुल मिल रहा है, ऐसे 15 रुपए 12 रुपए 10 रुपए लगता है, ऐसा वाला बस होता है ना उसमें 15 रुपए। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी चंडीगढ़ आओगे जरूर फ्रेंड्स यहाँ पे जरूर आना।